और टाइमर चालू हो चुका है। तो सबसे पहले प्रमोद जी का नंबर लगा हुआ है, तो प्रमोद जी पूरी तरह से अपनी स्पीड को कायम रखते हुए एकदम जमीन पे बिल्कुल टूट पड़े हैं, सोच के साथ बिल्कुल तैयार खड़े थे। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में चाउमीन रखी हुई है, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है चाउमीन खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दो महारथी बैठ चुके हैं, एक तरफ है प्रमोद और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं पवन। मतलब देखना है कि पवन प्रमोद को हराते हैं या प्रमोद पवन को हराते हैं। दोनों लोगों के बीच में जो टक्कर है वो अभी फाइनल हो जाएगा। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए और टाइमर चालू हो चुका है। तो सबसे पहले प्रमोद जी का नंबर लगा हुआ है, तो प्रमोद जी पूरी तरह से अपनी स्पीड को कायम रखते हुए एकदम जमीन पे बिल्कुल टूट पड़े हैं, सोच के साथ बिल्कुल तैयार खड़े थे और सोच रहे थे कि जैसे ही टाइमर स्टार्ट होगा सोच के साथ बिल्कुल धावा बोल देंगे चैलेंज में। और एकदम दाल चावल की तरह एकदम चाउमीन को एकदम मिक्स कर दे रहे हैं, पैक कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी चाउमीन, कोई दिक्कत नहीं है, पैक करते रहिए और खाते रहिए, इनाम गिरासी लेकर जाते रहिए। बहुत गजब। और सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अगर जेब में रखे रहेंगे तो जब इच्छा कहेगी तब फिर निकाल के खा लेंगे। उसी अनुसार जो है उसी तरह से पैकिंग करते चले जा रहे हैं। तो और गजब की मुस्कुराहट कर लेंगे, उसके कोई नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। और जब प्रमोद इतना पैक करना चाह रहे हैं पैक कर लीजिए, प्रमोद कुछ भी खाने लगते हैं तो बहुत गजब की मुस्कुराहट इनकी होती है, अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं दिल खोल के। और देखते ही देखते मुस्कान का कितना फायदा उठाते हैं और कितने समय में चैलेंज को कम्प्लीट करके जाते हैं। बहुत गजब। और देखते ही देखते पूरी तरह से एक लगातार कंटिन्यूटी रफ्तार बना के चल रहे हैं प्रमोद जी। सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी लूज हो जाएंगे तो समझ चलिए हम हार जाएंगे। और जो समय सीमा की बात किया जाए तो 1:07 हुआ है और 1:07 के ऊपर टाइमर गया है लगभग। और हमको लग रहा है 2 मिनट नहीं होगा, उससे पहले ही 2 किलो चाउमीन बिल्कुल कंप्लीट कर जाएंगे। हाँ, तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं, क्या पवन जी इनके टारगेट को डिफीट कर पाते हैं या खुद डिफीट हो जाते हैं। और जो इनाम की राशि है किसके हिस्से में जाता है, प्रमोद के या फिर पवन के? दोनों लोग पूरी तरह से हौसला लगाए बैठे हैं। प्रमोद तो एकदम हौसला लगा दिए हैं, लेकिन पवन जी पूरी तरह से आस लगाए बैठे हैं कि मैं ऐसी टेक्निक लगाऊंगा वैसी टेक्निक लगाऊंगा, मैं प्रमोद को हरा दूंगा तो हरा दूंगा, जैसी मर्जी टेक्निक लगाऊंगा भैया इतना आगे तो नहीं जा पाऊंगा 100% हमको लग रहा है, क्योंकि जो टेक्निक लगा दी है प्रमोद जी बहुत तगड़ी वाली टेक्निक लगा दी है। हाँ, तो प्रमोद जी वास्तव में टेक्निक तो बहुत अच्छी लगाए हैं, देखना है कि ये टेक्निक कितना कामयाब होती है। क्या पवन जी कितने समय तक लेकर जाते हैं, बहुत बढ़िया। क्या पवन जी प्रमोद के इस टारगेट को डिफीट कर पाएंगे कि नहीं? 2:05 हो चुका है और 2:05 हो चुका है, प्रमोद लगभग लगभग काफी हद तक का अपना मंजिल का सफर तय भी कर चुके हैं और देखते हैं एंडिंग कितने समय में करते हैं, फिनिशिंग तो बहुत अच्छी है। बहुत गजब। और जिस हिसाब से प्रमोद चल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि पवन इनके टारगेट को पकड़ पाना पवन के बस की बात नहीं होगी। 2:26 हुआ है और लगभग लगभग 1 या 2 बाइट बची भी है, उसको भी समाप्त करते ही प्रमोद जी एक अच्छा खासा टारगेट पवन को दे देंगे। तो देखना है कि कितने मिनट कितने सेकंड का टारगेट देते हैं। और लास्ट बाइट के साथ प्रमोद एकदम पूरी तरह से तैनात हो चुके हैं और यही रही लास्ट बाइट। और 2:48 और देखते हैं कितने समय में फिनिश। हाँ, करीब करीब 3 मिनट में फिनिश कर लिए हैं। तो प्रमोद जी आए, हौसला दिखाए, प्रमोद जी का धन्यवाद करते हैं। और 2:57 इनका काउंट हुआ है, तो देखते हैं हूँ मैं कितने समय में कंप्लीट कर पाता हूँ, क्या 3:57 में कंप्लीट कर पाता हूँ या उससे भी ज्यादा समय लगाता हूँ। मतलब 2:57 में कंप्लीट किया है, हमको तो नहीं लग रहा है 3:57 से भी पहले कंप्लीट कर पाऊँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अगले चैलेंजर, मतलब अगले शिफ्ट में पवन जी का नंबर लगा हुआ है अगले चैलेंजर के रूप में। तो 2:57 का टारगेट दिए हैं पवन जी को प्रमोद जी ने। तो देखना है कि प्रमोद जी के इस टारगेट को पवन तोड़ पाते हैं या आराम से चाउमीन का आनंद लेकर जाते हैं। देर न करते हुए फूलचंद जी टाइमर को चालू कर दीजिए, और टाइमर चालू कर दिए हैं तो थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए। हाँ, नहीं दिख रहा है। हाँ, सही है। और देखते ही देखते पवन अपना अपने पाली का जो स्पीड है स्पीड लेकर अपने पाली का बाइट एकदम लगातार कंटिन्यूटी लगाते चले जा रहे हैं। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं पवन, क्या प्रमोद के टारगेट को तोड़ पाते हैं नहीं। बहुत गजब का टारगेट खड़ा कर दिए हैं प्रमोद ने, यानी 2:57 2:56 में पूरी तरह से इसको समाप्त होना है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फूलचंद पूरी तरह से टाइमर को दिखा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि यार काश इस चैलेंज में हम बैठे होते तो पवन को जरूर हरा देते हैं। तो
बहुत गजब की मुस्कुराहट के साथ फूलचंद सोच रहे हैं कि वास्तव में हमको बैठना चाहिए था। तो यहाँ पर जो समय की जो मार चल रही है बहुत गजब की चल रही है, 2:57 को डिफीट करना है पवन को, और पवन तो ऐसा लग रहा है कि 2:57 के बाद ही इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड और चाहिए। क्या लगता है फूलचंद, कौन जीतेगा? लगता तो ऐसा है कि जना प्रमोद जी मार जाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भाई किसके हाथ में पलवा जाएगा ये। हाई वोल्टेज वाली बाइट लगाते हैं पवन जी, हो सकता है अगर हाई वोल्टेज की बाइट इसमें लग गई तो समझ चलिए पूरी तरह से समय थम गई, और देखते ही देखते जीत भी हासिल हो जाएगी। अगर हाई वोल्टेज वाली बाइट नहीं लगी तो 100% पवन हार जाएंगे, और जो इनाम की राशि है वो प्रमोद लेकर ही जाएंगे। बात गजब, अरे चुनते चुनते पूरा घर। और जो समय है, समय पूरी तरह से भागता नजर आया है, 1:58 के ऊपर टाइमर जा चुका है, मतलब 2 मिनट पूरा हो चुका है। अब बचा है केवल 57 सेकेंड आपके पास, उस 57 सेकेंड को अगर अपने आप में ढाल लेंगे तो हो सकता है जीत जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा चाउमीन बची नहीं है, हो सकता है कि जीत हासिल भी हो जाए। बात गजब, और जिस हिसाब से पवन बाइट ले रहे हैं, वास्तव में बहुत गजब की बाइट ले रहे हैं, और बहुत ही नपी तुली बाइट के साथ चल रहे हैं। आगे मंजिल के करीब भी हैं और मंजिल के दूर भी हैं, क्योंकि अब मात्र इनको जो समय की आवश्यकता है वो है केवल 20 सेकेंड। अगर 20 सेकेंड 20 सेकेंड में इस थाली को खाली कर देंगे तो हो सकता है जीत हासिल हो जाए। आप स्पीड बढ़ा दीजिए। बात गजब, और 10 सेकेंड का बात है, 10 सेकेंड में कम से कम 3-4 बाइट मारना है, और उस बाइट को अब नहीं मार पाएंगे, और जीत इनके बस की बात नहीं है। समय समाप्त, और समय देखते हैं कितने मिनट में खत्म करते हैं। हाँ, तो देखना है कि अब क्या हो, तो खत्म होगा ही धीरे धीरे, लेकिन प्रमोद जी इस चैलेंज में जीत बहुत अच्छी तरह से जीत गए हैं। जो सबसे पहले पारी खेले थे इस चाउमीन को लेकर आगे भागे थे, 2:57 का टारगेट दिए थे, लेकिन प्रमोद जी उस टारगेट को इतना अच्छा खड़ा कर दिए थे कि पवन उस टारगेट को नहीं तोड़ पाए, और 3:30 हो चुका है, अब भी पूरी तरह से खाते चले जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि 4 मिनट का जो सफ़र है उस 4 मिनट के अंदर ही खाएंगे, लेकिन टारगेट को ना तोड़ के जीत हासिल नहीं कर पाए, और पूरी तरह से इनाम की जो राशि है प्रमोद के हिस्से में जाती है। तो 3:48 प्रमोद जी के टारगेट को नहीं तोड़ पाए, लेकिन अपने टारगेट को तो हम तोड़ दिए भैया। अच्छा। हमको लग रहा था 3:57 से पहले नहीं खा पाऊंगा, लेकिन खा लिया हूँ। बात तो आप लोगों को यह चैलेंज कैसा लगा, और प्रमोद जी जो नो स्टॉप स्टार्टिंग में स्पीड लगाए हैं, अनकट मतलब स्पीड लगाए हैं, इस वजह से इतना फास्ट खा लिए हैं, तो प्रमोद जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि को कैश देते हैं। चौमिन ईटिंग चैलेंज में प्रमोद जी आए, हौसला दिखाए, प्रमोद जी का धन्यवाद करते हैं, और 2:57 में बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, प्रमोद जी के नाम की राशि 1500 कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दोनों चैलेंजरों में सबसे तेज स्पीड से अगर खाए हैं तो प्रमोद जी खाए हैं, और प्रमोद जी ऐसे स्पीड लगाए आज कि कुछ कहा नहीं जा सकता। 2:47 2:57 में पूरी तरह से चाउमीन की थाली को खाली कर दिए, और उस टारगेट को पवन तोड़ नहीं पाए, पवन पीछे हो चुके थे, और प्रमोद जी इस चैलेंज को जीत गए हैं। पैसा मिल गया भैया? कितना है? पूरा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। और चाउमीन में जो शिमला मिर्च वगैरह थी उसका ऐसे भरता बनाया कि गायब हो गई, पता ही नहीं लगा कि कहाँ गई, हमसे तो भैया चल नहीं रही थी, तो आराम आराम से ज्यादा बड़ी बाइट नहीं चल पा रही थी, क्योंकि दाल चावल होता है जितनी बड़ी मर्जी बाइट मार दो वो अपने आप फिसल जाती है, लेकिन चाउमीन थी इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, तो 2:57 के बजाय 3:57 लग गए हैं करीब करीब। तो प्रमोद जी आए, हौसला दिखाए, प्रमोद जी का धन्यवाद करते हैं, और इतना खा लिए हैं कि बोला नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है बार बार अंदर से वो आ रही है, मतलब ढेकार आ रही है। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, प्रमोद जी आए, हौसला दिखाए, प्रमोद जी का धन्यवाद करते हैं, और इनाम की राशि इनको कैश दे दिए। प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे, कौन सी बढ़िया थी कि नहीं? चौमीन बहुत नंबर की बनी थी, खाने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं खाने में,
तो प्रमोद जी आए, हौसला दिखाए, प्रमोद जी का धन्यवाद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।